विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ सुपर क्वेश्चन ऑफ वेव्स। तो सुपर क्वेश्चन ऑफ वेव्स में व्हाट यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि इसमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। नंबर टू, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। नंबर थ्री, यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। नंबर फोर, यू शुड नो स्टेशनरी वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। नंबर फाइव, यू शुड नो वेव स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन, व्हाट इज सेकंड ओवरटोन, व्हाट इज फिफ्थ ओवरटोन इन जनरल। देन यू शुड नो वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम में दो कॉलम थे, एक क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ द एंड्स। उसके बाद आपको बताना चाहिए व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी। एंड लास्टली यू शुड नो डॉपलर इफेक्ट्स। तो इस पर क्वेश्चन आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीईटी के और जो नीट का बैच है, उन दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग है, लेवल अलग अलग है। तो रिकमेंडेड दैट यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बोथ द बैचेस। वो भी करना है, ये भी करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 2020 सीईटी का क्वेश्चन है। द एक्सटेंशन इन अ वायर ओबेइंग हुक्स लॉ इज एक्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्ट्रेच्ड वायर इज वी। If the extension in the wire is increased to 4x, then the speed of sound in wire is. Speed of sound in wire, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बात किया है। आइडियली जब आप एक वेव प्रोपोगेट करते हो थ्रू स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है, वो होता है ट्रांसवर्स वेव। इन्होंने क्या बोला है, साउंड। और साउंड को किससे प्रोपोगेट कर रहे हैं, वायर से। दैट इज समथिंग जस्ट टू टेल यू स्पीड ऑफ साउंड के बाय स्पीड ऑफ वेव। तो ये साउंड की जगह पे वेव बोलना चाहिए था, उन्होंने साउंड बोल दिया। क्योंकि यू ऑलरेडी नो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में से कौन सा वेव प्रोपोगेट करते हो तुम, ट्रांसवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, वेर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको आप लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको बोला है कि जब एक्सटेंशन इन द वायर एक्स था, तब स्पीड कितना था, बी। अगर आप एक्सटेंशन 4x कर दोगे तो स्पीड कितना होगा, सिंपल। वायर सेम है तो एम क्या है, कांस्टेंट है। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। और आपको अभी ये भी पता होना चाहिए आइडियली, किसी भी वायर में एक्सटेंशन कौन प्रोड्यूस करता है, लोड। तो अगर मेरे पास एक वायर है, लेट अस टेक अ वायर। इस वायर के नीचे अगर मैं एक लोड लगा देता हूँ, इफ आई पुट सम लोड हियर, सम लोड, सम मास एम जी, तो जो टेंशन है टी, ये आएगा बिकॉज ऑफ एम जी। मतलब जितना ज्यादा एम जी उतना ज्यादा टेंशन, और जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा एक्सटेंशन। तो जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ। तो दिस इज इनिशियल लेंथ, लेट अस से एल एल, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो व्हाट डू यू नो नाउ इज टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा एक्सटेंशन। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। और ये क्यों आया, सिंस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, राइट। बट टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, देयरफॉर वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, बट टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यू विल हैव वी टू बाई वी वन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू बाई एक्स वन। तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू एक्स टू आपको दिया हुआ है 4x, और एक्स वन दिया हुआ है एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा कैंसल, रूट ऑफ 4 इज 2। तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू 2, तो वी टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी वन, मतलब 2v। तो 2v ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स वाई वन इक्वल टू 0.25 sin 316 t एंड वाई टू इक्वल टू 0.25 sin 310 t आर प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड आर। सबसे पहले आपको बताना चाहिए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जनरल फॉर्म है। फिर आपके पास दो वेव्स है, जो पहला वेव है उसमें लिखा हुआ है 316 t, मतलब ये जो 316 है ये क्या हो गया, ओमेगा 1, और ये 310 क्या हो गया, ओमेगा 2।
तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू. ओमेगा वन कितना है 316, 316. ओमेगा टू कितना है 310. यू नो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी. एन वन माइनस एन टू या फिर एन टू माइनस एन वन, डिपेंडिंग ऑन एन वन ज्यादा है कि एन टू ज्यादा है उसके ऊपर. यहां से आपको मिल जाएगा व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एन वन. तो यहां से आपको मिल जाएगा एन वन. तो एन वन इक्वल टू 316 अपॉन 2 पाई. यहां से आपको मिल जाएगा एन टू 2 पाई. एन टू इक्वल टू 310. तो एन टू इक्वल टू 310/2 पाई. तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है एन, दैट इज एन वन माइनस एन टू. तो 316/2 पाई माइनस 310/2 पाई. तो 6/2 पाई मतलब 3/पाई. तो 3/पाई ऑप्शन नंबर सी. तो बीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस अगर आए तो पहले चेक कर लो कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसके लिए मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर लेंथ दिया होगा, हो सकता है आपको बोला होगा हमारे पास दो वायर्स है, दोनों का लेंथ, एक का लेंथ 100 है दूसरे का 200 है. तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो लेंथ जिसका कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल एंड टू एल, वही 100 and 200 सेंटीमीटर वैसे ही आ गया ये एल एंड टू एल. Vibrate with fundamental frequencies n hertz and 1.5 hertz respectively. The ratio of tensions for smaller length to larger length is. The ratio of tension, आपको tension का ratio पूछा है. To that of smaller length and larger length. Smaller length मतलब l और larger मतलब 2l. तो आपको question में दिया हुआ है. What you have been given is l1 equal to l and l2 equal to 2l. फिर fundamental frequency आपको दिया हुआ है पहले का n और दूसरे का दिया हुआ है 1.5 n. ठीक है 1.5 n. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन. तो टेंशन का रेशियो कैसे फाइंड करोगे. n इक्वल टू 1/2 l अंडर रूट ऑफ p/m. सही है. अभी आइडेंटिकल स्ट्रिंग बोलने का मतलब m इज कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, टू भी कॉन्स्टेंट. तो एन इज प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाई एल. तो एन एल, एन इंटू एल इज प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर एल स्क्वेयर. सिंपल. तो टी वन बाई टी टू इक्वल टू, ठीक है, एन वन एल वन अपॉन एन टू एल टू का स्क्वेयर ही कर लेते हैं साथ. गुड. एन वन कितना दिया हुआ है एन, एन टू कितना है 1.5 n. L1 is L and this is 2L. N, N cancel, L, L cancel. नीचे है 1.5 into 2. 3, उसका square. 1 is to 9. Option number B. Next question. When open pipe is closed from one end, मतलब पहले पाइप ओपन था, अभी वो क्लोज हो गया. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज देन सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. गुड क्वेश्चन. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड पाइप विल बी. तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक ओपन पाइप था जिसको हमने एक एंड से क्लोज कर दिया तो वो क्लोज पाइप बन गया. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप is higher in frequency by how much? 150 hertz. Higher बोलना मतलब +150, lower बोलना मतलब -150. Simple सी बात है. Then compared to second overtone of open pipe, second overtone of open pipe, C denotes closed and O denotes open. चलो ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील टू सॉल्व क्वेश्चन. बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड, सबसे पहले तो आई वुड वॉन्ट टू नो कि आपको सच में ओवरटोन याद भी है कि नहीं. वॉट इज द मीनिंग ऑफ ओवरटोन एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक्स. ओके, द हायर फ्रिक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट आफ्टर द फंडामेंटल, मतलब जो पहला फ्रिक्वेंसी वो छोड़ के अगले सारे होते हैं ओवरटोन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पहला फ्रिक्वेंसी 10 है, उसके बाद 30 है, फिर 50 है, फिर 70 है. तो 10 इज फंडामेंटल, 30 इज फर्स्ट ओवरटोन, 50 इज सेकेंड ओवरटोन, राइट. अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 सब है, तो 10 इज फंडामेंटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक,
ट्वेंटी इज सेकेंड हार्मोनिक, थर्टी इज थर्ड हार्मोनिक, फोर्टी इज फोर्थ हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल को फर्स्ट नोट भी बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक को सेकेंड नोट बोलते हैं, बराबर ओवरटोन बोलते हैं उसको। तो सेकेंड नोट इज नथिंग बट फर्स्ट ओवरटोन, राइट। ये अभी आगे आएगा। तो अब इसके आगे आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाइप ओपन एट बोथ एंड होता है उसमें ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन। ये आ गया फंडामेंटल, आ गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये है सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। तो यहाँ पे अगर मैं पीथ ओवरटोन की बात करता हूँ तो पी प्लस वन एन, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ओवरटोन इज फोर एन, फोर्थ ओवरटोन इज फाइव एन, फिफ्थ ओवरटोन इज सिक्स एन। अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, एन थ्री एन फाइव एन सेवन एन। ये है फर्स्ट फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ये है थर्ड हार्मोनिक बट सेकेंड ओवरटोन, ये है फिफ्थ हार्मोनिक बट सेकेंड ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन था, ये सेकेंड ओवरटोन है। तो पीथ ओवरटोन अगर आप बात करोगे तो टू पी प्लस वन इंटू एन, तो ये पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इन जनरल फॉर अ क्लोज्ड पाइप, फॉर अ क्लोज्ड पाइप पीथ ओवरटोन इज टू पी प्लस वन इंटू एन, एंड फॉर अ ओपन पाइप पीथ ओवरटोन इज पी प्लस वन इंटू एन, वेर एन ओ इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप एंड एन सी इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। ये दोनों फॉर्मूला पता है तो ये सॉल्व होगा। तो वॉट इज एन थ्री सी सेवन एन, बिकॉज यू विल राइट थ्री टू पी है ना पी, तो टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इक्वल टू थ्री, तो दैट इज नथिंग बट टू प्लस वन इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप प्लस कितना 150। तो दिस इज सेवन एन सी थ्री एन ओ प्लस 150। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज पाइप का V by 4L and this is equal to V by 2L plus 150। ये shortcuts है, definitely shortcuts are there, shortcuts तो है, लेकिन हमको find क्या करना है उस पर ध्यान दो। क्या find करना है आपको? Fundamental frequency of open। अभी ये जो method है लंबा जाएगा, तुमको find क्या करना है? Fundamental frequency of open है। तो कभी भी याद रखना जो find करना है उसको equation से हटाओ मत, just keep it like this। अब अभी आपने ही बताया, यू ओनली टोल्ड मी एन सी इज वी बाई फोर एल, आपने ही बोला। कैन आई राइट डाउन दिस इज वन बाई टू और वी बाई टू एल, लिख सकते हो ना? वॉट इज दिस? एन ओपन। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज हाफ ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। आपको अगर क्लोज पाइप का फ्रिक्वेंसी बोला होता तो यहाँ पे आप लिखते टू एन सी, लेकिन क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो एनसी हटाओ इक्वेशन से और एनओ को लाओ, व्हाट इज एनसी? एनओ बाय टू, सात बाय दो साढ़े तीन, थ्री एंड हाफ माइनस तीन हाफ, हाफ मतलब वन बाय टू, वो उधर गया 300, 300 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जिनको नहीं समझा कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, ये साढ़े तीन है, उसमें से तीन माइनस कर लिए बचा 150, दिस इज 0.5 और 0.5 ऑफ कोर्स यू नो इज 1/2, सो यू विल हैव दिस एज 0.5 एन ओपन इक्वल टू 150, व्हिच मींस एन ओपन बाय टू इक्वल टू 150, व्हिच मींस एन ओपन इक्वल टू 300। सो व्हाट विल बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप? अरे इतना देख रहे हो, ये तुमको लिख के दिया इधर 300/2 150, उस केस में आंसर दिया ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली देना चाहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन मेक इट सिंपल, इफ यू वांट यू कैन कीप इट लेंथी। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन फुल फ्लेज सॉल्यूशन भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो। सोनोमीटर वायर अंडर सुटेबल टेंशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? रिलेटिव डेंसिटी होता है वो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी एन इन एयर, तो जब एयर में है
तब उसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी द फ्रीक्वेंसी, हाँ एयर में था फ्रीक्वेंसी एन है। इफ द लोड इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बिकम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बिकम। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास सबसे पहले एक सोनोमीटर वायर था, तब जिनको सोनोमीटर बॉक्स या सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट याद ही नहीं है, सोनोमीटर अरेंजमेंट पता नहीं है, तो आई जस्ट टेल यू यू विल नॉट नीड दिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो। सोनोमीटर बॉक्स जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हो, इसमें बेसिकली इफ यू रिमेम्बर देर आर टू होल्स हियर, यहाँ पे दो होल्स भी होते हैं बिकॉज ये साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स में एयर होना चाहिए, तो यू हैव टू होल्स, अभी आई कैन नॉट शो टू, तो चलो एक ही है, ठीक है फाइन। देन इसके ऊपर यू हैव नाइफ एजेस एज वेल, अगर आपको याद होगा तो यू हैव नाइफ एजेस, शार्प नाइफ एजेस, और जो नाइफ एजेस होते हैं ना इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग रन होता है, तो स्ट्रिंग इज मेड टू गो थ्रू, गो अबोव दिस नाइफ एजेस, तो दो नाइफ एज होते हैं बाय द वे, तो यू हैव टू नाइफ एजेस, तो जिनको पता नहीं सिर्फ उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, बट आइडियली यू शुड हैव नोन दिस। यहाँ पे होता है एक रिजिड सपोर्ट, देन यू मेक द वायर स्ट्रिंग रन अबोव दिस टू नाइफ एजेस, तो यहाँ पे एक पुली होता है, यू हैव अ पुली अरेंजमेंट, तो यू हैव अ पुली अरेंजमेंट समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे पुली अरेंजमेंट है, फिर ये जो वायर है इस पुली के ऊपर से जाएगा, और फिर देन इसके बाद यहाँ पे स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट होता है। स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50-50 ग्राम के स्लॉट्स होते हैं, एंड देन यू जस्ट इन कीप ऑन इंक्रीजिंग मास, सो दैट मास बढ़ेगा मतलब वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब टेंशन बढ़ेगा इन शॉर्ट। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए, टेंशन इक्वल टू एमजी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोले समझ लेते हैं। हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है विच इज अंडर सुटेबल टेंशन, तो देर इज सम टेंशन, देर इज सम एमजी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज एन इन एयर। अब अगर हमने लोड को कंप्लीटली वाटर में इमर्स कर दिया, नाउ इफ आई इमर्स दिस कंप्लीटली इन वाटर, ओनली लोड, ओनली लोड, बाकी कुछ नहीं, ओनली लोड, राइट, तो इस केस में व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्यों, क्योंकि पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन था याद है, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा, वही है, ये घुमा फिरा के बात वही है। तो दो सॉल्यूशन है इसके, एक तो फुल फ्लेज करना है, तो आई कैन टेल यू फुल फ्लेज, बट दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, यू नो फ्रीक्वेंसी पता है ना, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बताओ, 1/12 रूट ऑफ पी बाय एम, 1/12 रूट ऑफ पी बाय एम। अब जब लोड तुम पानी में रख रहे हो, बाकी कुछ भी पानी में नहीं है, ओनली लोड, ओनली वेट, तो टेंशन के अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, लेंथ इज सेम, एम इज सेम, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू टी, रूट ऑफ टी। बट इफ यू रिमेम्बर टेंशन इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन एम जी, आई विल जस्ट से एम जी इफेक्टिव, मतलब टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव, और देयरफॉर यू विल हैव फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, बट टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव का रूट, तो स्क्वायर रूट तो आंसर में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, यस गुड। अब दो केसेस थे, तो अभी आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, नया फ्रीक्वेंसी, तो एन टू बाय एन वन इक्वल टू रूट ऑफ जी टू बाय जी वन। अभी आपको याद होगा मैंने आपको जी इफेक्टिव निकालना सिखाया था, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू जी, और जी वन तो जी है पहले से क्योंकि एयर में था, तो एयर में तो जी आएगा, सही है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, एन टू बाई एन वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टू, जी टू इज सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा, मैं बाद में नाम चेंज करूंगा इसका, ये फिलहाल क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको यहाँ पे, यू विल बेसिकली गेट कंफ्यूज, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी को रो से डिनोट किया है, तुम यहाँ पे भी इसको कर रहे हो रो से डिनोट, तो नोटेशन चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, जस्ट चेंज द नोटेशन। वैसे ये सिग्मा क्या होता है याद है, डेंसिटी ऑफ बॉब, मतलब डेंसिटी ऑफ वो जो भी मटेरियल था वेट का, वो करेक्ट, तो सॉलिड है बेसिकली, दैट इज सॉलिड, सॉलिड, और आपको पता है ये जो रो लिखा था वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सराउंडिंग मीडियम, तो ऐसा करो ना इसको सराउंडिंग मीडियम में वाटर है ना, तो वाटर बराबर, तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा अब, नाउ यू विल बी लेस कंफ्यूज बिटवीन द नोटेशन सिंबल्स, मतलब तो ठीक है, तो अब ये तो रहने ही वाला है उधर,
कहना है जस्ट राइट इट डाउन, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एस, उसको कर देंगे हम लोग वन। चलो ठीक है, अगले स्टेप में कर देते हैं इनटू जी। और जी वन क्या था? जी, ये जी टू है और ये जी वन है। जी जी कैंसल, वेरी गुड। तो एन टू बाई एन वन, एन वन कितना है? एन अंडर रूट ऑफ वन माइनस सिग्मा वाटर अपॉन सिग्मा सॉलिड। ओके करेक्ट, गुड। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो स्टेप है, कैन आई राइट दिस एज सिग्मा एस अपॉन सिग्मा वाटर? यस, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एन, क्योंकि ये एन को शिफ्ट कर दूंगा बराबर। अब ये स्क्वायर रूट को बना देंगे रेस टू हाफ इंटू एन। यू नो दिस इज वॉट? रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या बोला है इसको? रो। तो ये आ जाएगा आपके पास रो माइनस वन अपॉन रो रेस टू हाफ इंटू रो माइनस वन अपॉन रो रेस टू हाफ इंटू एन। ऑप्शन नंबर बी है। इसका सेकेंड मेथड भी है बट वी विल नॉट गो इन टू दैट। हमने वो फुल कोर्स में दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। जिन्होंने भी फुल कोर्स किया है सीईटी का, यू शुड नो एक अल्टरनेट मेथड से हमने सॉल्व किया था, बट अल्टीमेटली वो मेथड भी यू इट विल ब्रिंग यू टू द सेम स्टेप हियर। ये यहीं पे आ जाओगे वापस से घूम करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल। मतलब फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप इज, जोक है जोक। व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप? थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज वी बाय फोर एल क्लोज, दिस इज टू वी बाय टू एल ओपन बराबर। कैंसल एंड कैंसल, कैंसल एंड कैंसल। आपको पूछा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप, तो 4/3। तो एल ओपन अपॉन एल क्लोज इज 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टेंशन टी इज अप्लाइड टू अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, इट वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन। वो एन है, प्रिंट नहीं हुआ, एन है ना? यस। कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम, व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 न्यूटन, व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड टू 8 न्यूटन और बाय 8 न्यूटन का डिफरेंस बताओ तो तुम क्या होता है? इफ आई से टेंशन इज इंक्रीज बाय 8 न्यूटन और इफ आई से टेंशन इज इंक्रीज टू 8 न्यूटन, तुम दोनों में से एक। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज बाय एंड इंक्रीज टू? वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्रीज बाय? ओरिजिनल प्लस 8, तो टी टू इक्वल टू टी वन प्लस 8, और जैसे बोला होगा इंक्रीज टू, तो टी टू इक्वल टू डायरेक्टली 8, तो वहां पे टी वन प्लस नहीं होगा, इट इज जस्ट 8। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 टाइम्स द अर्लियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, द इनिशियल टेंशन अप्लाइड टू द वायर एस। सिंपल क्वेश्चन है, एक काम करो इनिशियल टेंशन को टी मान लो, तो फाइनल टेंशन आ जाएगा टी वन प्लस 8, मतलब टी प्लस 8। इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर एन वन है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ एन वन है, और आपको पूछा है व्हाट इज द इनिशियल टेंशन? यू नो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/12 रूट ऑफ टी बाय एम, करेक्ट। व्हाट यू हैव नॉट चेंज दिस मटर ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर, सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी।
हो गया। तो एन टू बाई एन वन इज रूट ऑफ टी टू बाई टी वन। तो एन टू इज 3 टाइम्स ऑफ एन वन अपॉन एन वन, एन वन कैंसिल हो जाएगा। टी टू है टी प्लस 8 और ये है टी, कैंसिल हो गया एन वन एन वन, और स्क्वायरिंग कर लिया तो 9 टी प्लस 8 बाई टी, तो 9 टी माइनस टी 8 टी, तो 9 टी इक्वल टू टी प्लस 8, तो 8 टी इक्वल टू 8, तो टी इक्वल टू 1, तो इनिशियल टेंशन इज 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मेटल वायर हैज लेंथ एल, मास एम एंड डेंसिटी रो। अभी डेंसिटी बोला है, लीनियर डेंसिटी नहीं बोला है, तो ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाला डेंसिटी है। अगर इसमें लीनियर डेंसिटी बोला होता तो मास अपॉन लेंथ का होता, दैट इज द डिफरेंस। इट इज अंडर टेंशन टी एंड वी इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलॉन्ग द वायर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज। हमारे पास एक वायर है जिसमें ट्रांसवर्स वेव का स्पीड वी है, टेंशन टी है, उसका लेंथ एल है, मास एम है, डेंसिटी रो है। आपको पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे? वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, एम वेयर एम इज मास पर यूनिट लेंथ। तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन कैपिटल एम इज द टोटल मास अपॉन लेंथ, और लेंथ जाएगा ऊपर, राइट? तो सिंस स्मॉल एम इज मास पर यूनिट लेंथ, बट यू ऑल्सो नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड देयरफॉर यू विल गेट वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एल एम विल बी डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, और आपको पता है वायर इज लाइक अ सिलेंडर, पता है ना? और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ लेंथ हो गया कैंसल, तो लेंथ एंड लेंथ गॉन, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट गया टी अपॉन रो ए। यू आर सपोज टू फाइंड आउट ए, ए फाइंड करना था आपको, तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। व्हाट विल बी ए फ्रॉम दिस साइड? ए विल बी इक्वल टू टी अपॉन वी स्क्वायर रो, तो टी अपॉन वी स्क्वायर रो ऑप्शन नंबर ए, डन। गुड। अभी व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स हमको सिर्फ ऐसा क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कितना वेटेज है, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तुम पी वाई को सॉल्व इसलिए करते हो, यू सी वी आर एट क्वेश्चन नंबर 10, और ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सेम ईयर से है। ऑफ कोर्स दो शिफ्ट मिला के, ऑफ कोर्स जितने भी दिन एग्जाम था सब मिला के, लेकिन 10 क्वेश्चन मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे फॉर्मूला कम है, लेस नंबर ऑफ टॉपिक्स बट क्वेश्चंस आर मोर, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करना। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप इज 400 हर्ट्स, इफ 1/3 पाइप इज फिल्ड विथ वाटर। पहले ही क्लोज था, अभी आपने 1/3 फिल कर दिया, तो बचा कितना? 2/3। तो अभी 2/3 ऑफ द वॉल्यूम मतलब लेंथ ऑफ द पाइप विल बी अवेलेबल फॉर वाइब्रेशन। देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द पाइप, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द पाइप विल बी, इसमें अभी है कुछ करेक्शंस, निगलेक्ट एंड करेक्शन, एंड कुछ नहीं होता, एंड होता है, राइट? नंबर टू, एक क्लोज पाइप में सेकेंड हार्मोनिक होता ही नहीं है, तो दे आर आस्किंग यू फर्स्ट ओवर टोन, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि क्लोज पाइप जो है ना उसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, तो सेकेंड तो होता ही नहीं है, तो दे मस्ट बी आस्किंग यू व्हाट इज फर्स्ट ओवर टोन, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज फर्स्ट ओवर टोन, गुड। तो ये करेक्शन है। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप एस, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपको दे दिया है एन, कितना है? 400 हर्ट्ज। मैं इसको बोल दूंगा N1, क्योंकि दो केसेस है हमारे पास, जब लेंथ था एल तब फ्रिक्वेंसी था 400, अभी 1/3 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब बेसिकली ऐसा है कि
कि हमारे पास पहले अगर लेंथ एल था अवेलेबल फॉर एयर कॉलम टू वाइब्रेट, दूसरे केस में पूरा लेंथ अवेलेबल नहीं है, तो कितना है? 2/3, क्योंकि 1/3 इज फिल्ड विथ वाटर. तो 1/3 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, 1/3 ऑफ दिस, ये 1/3 गया तो बचा 2/3. जब 2/3 बचा मतलब एल टू इक्वल टू 2L/3. गुड, क्लियर यहां तक? ऐसे ही बोला है ना? हाँ. और पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस न्यू सेटअप, न्यू पाइप. तो व्हाट विल बी द फर्स्ट ओवरटोन, क्या आएगा? 3N. वेरी गुड, 3N सही बोल रहे हो. इसको N1 बोला, उसको N2 बोलते हो सर. तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन मतलब N1 डैश है ना, तरफ बराबर बराबर, राइट? अरे थोड़ा सा नोटेशन पे ध्यान दो. यू विल गेट टू मच ऑफ कंफ्यूजन हियर. इधर N1 है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, वहां पे N1 डैश है ओवरटोन. तो ऐसा मत करो, एक काम करो, इसको ऐसे रखते हैं, जस्ट लेट अस कीप दिस N, और इसको बोल देंगे N डैश. तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितना है? N. यहाँ कितना है? N डैश. लेकिन पूछा क्या है? फर्स्ट ओवरटोन, तो N1 डैश. व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन? थर्ड थर्ड हार्मोनिक, तो 3N डैश. बट व्हाट इज N डैश? व्हाट इज N डैश? V by 4L डैश, वेर L डैश इज 12/3. 12/3, वेरी गुड. तो 3V/4 इंटू 2L/3, 3 गया ऊपर. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, प्योर श्योर, 100%, नो कंफ्यूजन? तो व्हाट इज N1 डैश? हाँ, कितना? हाँ, 9/2V/4L. मैं जानबूझ कैसा लिख रहा हूँ इसको, ये आ गया 9 और ये 2, तो 9/2V/4L. ऐसा क्यों लिखा मैंने? इसका रीजन था, आपको पता होना चाहिए ये है V/4L, क्योंकि पहले जब लेंथ L था तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितना है? 400. वो कितना होता है? V/4L. कितना होता है वो? V/4L. तो आपको फिर V/4L पता है ना, कितना है? 400. तो हाउ मच विल बी द आंसर? 1800 हर्ट्स. तो 1800 हर्ट्स ऑप्शन नंबर B. सो अगला क्वेश्चन, टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सेम डायामीटर. देखो डायामीटर सेम मतलब एंड करेक्शन सेम, क्योंकि एंड करेक्शन है 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर, इनर डायामीटर. इन विच द एयर कॉलम वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली. व्हेन बोथ पाइप्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ सिंगल पाइप, इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी. अभी क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आई एक्सपेक्ट कि आप ही सॉल्यूशन बताओगे. तो हमारे पास दो पाइप्स है, लेट अस से दिस इज पाइप नंबर 1 एंड यू हैव पाइप नंबर 2. लेंथ सेम था क्या? नहीं. तो लेंथ इज L1 एंड लेंथ इज L2. जब इसको ज्वाइन कर दिया, डायमीटर सेम है यस, जब इसको ज्वाइन कर दिया तो लेंथ बन गया L1 प्लस L2. वेरी गुड. तो फाइनल लेंथ इज L1 प्लस L2. आपको पूछा है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ. हाँ, एक एक करके. N इक्वल टू V/2L, ठीक है, 2L. ओके, देन L इज L1 प्लस L2, सही है. फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद? अच्छा ठीक है, तो यू आर सेइंग N1 इक्वल टू V/2L1 एंड N2 इक्वल टू, ओके, V/2L2, सही है. गुड गुड हियर. फिर उसको स्प्लिट स्प्लिट करोगे, आई थिंक यू विल स्प्लिट दोस टर्म्स, बराबर ना? स्प्लिट करोगे ना? स्प्लिट करने से पहले रेसिप्रोकल ले लो, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा. चलो ठीक है, जस्ट लेट अस जस्ट डू दिस. तो N इक्वल टू V/2L1 प्लस 2L2, देन हाँ चलो ठीक है. तो यू आर सेइंग कि यहाँ से 2L1 सब्स्टिट्यूट कर दो, वो भी कर सकते हो. 2L1 इक्वल टू V बाय
एन वन एंड टू एल टू इक्वल टू वी बाय एन टू, दैट इज ऑल्सो फाइन। गुड, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू, एन एन इक्वल टू वी बाय टू एल वन, टू एल वन कितना था, वी अपॉन एन वन, और ये था वी अपॉन एन टू। चलो सही है, ये भी सही है, वी कॉमन वन बाय एन वन प्लस वन बाय एन टू। गुड, पक्का एन इक्वल टू वी भी कैंसल, वी भी कैंसल हो गया ना, तो वी भी गया, तो फिर एन टू प्लस एन वन अपॉन एन वन इन टू एन टू, बराबर, राइट, वेरी गुड। लेकिन याद रखना, पाइप्स इन सीरीज आर लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, खत्म, सॉल्व करना ही नहीं था। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, याद है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। गुड, तो अगर आपके पास दो पाइप है जिसको तुम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीधा सीधा था एन वन एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, तो सारे के सारे स्टेप्स बच जाते हैं आपके, तो यू कुड हैव डायरेक्टली रीच टू दिस पर्टिकुलर आंसर विदाउट मच एफर्ट्स मच टाइम। हो गया, गुड, क्लियर। तो अगली बार से सॉल्व नहीं करना है, अगली बार से डायरेक्टली, बट कंडीशंस है, कंडीशंस है उसके। क्या कंडीशन है, लेंथ सेम नहीं है, लेंथ सेम हो भी जाता, लेंथ अगर सेम हो जाता तो फिर एन वन इक्वल टू एन टू सेम ही आता, तो उस केस में वापस से एन बन जाएगा, एन वन इंटू एन टू इज एन स्क्वेयर अपॉन टू एन, राइट, करेक्ट, बराबर ना, तो एन ही आएगा वापस से, डन, कैन यू गो अहेड। तो ये मेथड बिल्कुल सही है, नथिंग रॉन्ग, सो व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, बट यू डू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि अभी अगली बार से याद रखो। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय। अभी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, वाई इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी, सही है, ओमेगा टी सही है, यू आर करेक्ट, लेकिन ये जो फॉर्म है ना, चलो ठीक है, ओमेगा टी माइनस माइनस के एक्स, वेयर अगर बीच में नेगेटिव साइन आया मतलब द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस आया तो वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ए साइन ऑफ ओमेगा होता है टू पाई एन, और के होता है टू पाई बाय लैम्डा, पता है के को वेव नंबर बोलते हो, टू पाई बाय लैम्डा होता है ये, टू पाई निकाल लो कॉमन, तो यू विल हैव वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई आ गया कॉमन, देन एन टी, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन से कंपेयर करो, ए साइन ऑफ टू पाई बी टी, बी टी माइनस माइनस क्या था, माइनस क्या था, सी एक्स, माइनस सी एक्स, तो भी कंपेयर करो इसको, सिर्फ कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए मिल जाएगा, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू बी मिल जाएगा, और वन बाय लैमड़ा इक्वल टू सी मिल जाएगा, बराबर ना, राइट, पूछा गया था, पूछा गया है, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी इफ, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस ऑफ वेव वेलोसिटी। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलते क्यों है इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये वेव प्रपोगेट होता है मीडियम से, तो ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी क्या बोला है, दे आर आस्किंग यू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज टू टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कल ही खत्म किया हमने, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ए ओमेगा, वेरी गुड, ए ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा इक्वल टू टू, यू नो व्हाट इज एन लैम्ब्रा, दैट इज एन लैम्ब्रा, वेरी गुड, एन लैम्ब्रा, ए इज स्मॉल ए, ओमेगा इज टू पाई एन, टू पाई एन, लेकिन एन क्या है, बी, बराबर ना, एन क्या है, बी, और टू इंटू बी, और व्हाट इज लैम्ब्रा फ्रॉम हियर, वन बाय सी, वन बाय सी, बी बी कैंसल, तो बी एंड बी विल कैंसल आउट,
करेक्ट, टू और टू भी कैंसल आउट, तो सी इक्वल टू वन अपॉन पाई ए, तो सी इक्वल टू वन अपॉन पाई ए, वन अपॉन पाई ए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है अगला। इन अ फंडामेंटल मोड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड ऑफ पाइप फिल्ड विथ एयर इज 3 सेकेंड्स, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज। इन फंडामेंटल मोड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड ऑफ पाइप फिल्ड विथ एयर इज 3 सेकेंड्स। फंडामेंटल मोड में सबसे पहले तो यू नो, ऑफ कोर्स यू नो, एक नोड और एक एंटी नोड, हाफ अ लूप होता है, हाफ अ लूप। और आपको यह भी पता है कि दिस लेंथ विल बी इक्वल टू लैमडा बाई 4, तो लैमडा इक्वल टू 4 एल। ठीक है, इसको रखते हैं, देखते हैं कहाँ काम में आएगा, विल सी। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, v बाय 4l। ठीक है, v बाय 4l, तो बताओ अभी हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, बताओ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेंथ अपॉन टाइम, वेरी गुड। तो इसको फिलहाल रखो साइड में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्टली। वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है आपको, फ्रीक्वेंसी। तो फिर अभी बताओ इसका क्या करोगे। यू सी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में वी बाई एल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो यहाँ से वी बाई एल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, वी बाई एल कितना आएगा, 1/T। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इसमें n इक्वल टू वी बाय एल मतलब 1/T, तो ये 4 तो एज इट इज है, v बाय एल क्या आ गया, 1/T, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 4t^-1। आंसर गलत है यहाँ पे, तो ये ऐसा होना चाहिए 4t^-1, ऑप्शन नंबर डी विथ करेक्शन।